दोस्तों भारत नेपाल की टीम के बीच एशिया कप का मैच अब से बस कुछ देर बाद ही शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों भारतीय टीम को मैच से पहले ही बड़ा झटका लगा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि पिछली मैच की तरह इस मैच में भी बारिश होगी, और दोस्तों बारिश होगी तो फिर क्या भारतीय टीम सुपर फोर में पहुँच पाएगी। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। जहाँ दोस्तों भारत और नेपाल की टीम के बीच एशिया कप का पांचवा मुकाबला होगा, और ये दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच होगा, जो कि दोस्तों आज एक टीम का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। जहां दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मैच में पूरी तरह बारिश ने पानी फेर दिया था, और बारिश की वजह से वो बड़ा मुकाबला पूरी तरह रद्द करना पड़ गया था। अब ऐसे में दोस्तों भारत और नेपाल का मुकाबला भी उसी मैदान पर खेला जाना है, कैंडी शहर में। और दोस्तों ऐसे में वहाँ के वेदर की बात कर ले तो वहाँ का वेदर पूरी तरह इंडिया पाकिस्तान के मैच से भी खराब बता रहा है, और दोस्तों 80% से ज्यादा बारिश होने के चांस बताए जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप फोटो में देख सकते हैं कि 8 बजे से लेकर 5 बजे तक पूरी की पूरी बारिश के आसार हैं। हालांकि दोस्तों 6 बजे के आसपास बारिश रुकेगी, लेकिन दोस्तों शुरुआत में बारिश पूरी तरह खलल डालेगी, और दोस्तों बारिश होने की संभावना पूरी 80% है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, अगर बारिश की वजह से ये मुकाबला भी रद्द हो जाता है तो फिर भारतीय टीम को एक बड़ा फायदा पहुंचेगा। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम 2 पॉइंट्स के साथ सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। जहां दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने पहले मैच में नेपाल को बुरी तरह हराया था, ऐसे में दोस्तों नेपाल के पास अभी एक भी पॉइंट नहीं है। तो दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान का मैच ड्रॉ हो गया था, ऐसे में भारत को उस मुकाबले में एक पॉइंट मिला था। और ऐसे में अगर नेपाल और भारत का मुकाबला ड्रॉ भी हो जाता है तो फिर भारतीय टीम को एक पॉइंट मिलेगा, जिससे भारतीय टीम के टोटल 2 पॉइंट हो जाएंगे, और भारतीय टीम सीधा सुपर फोर में पहुँच जाएगी और नेपाल की टीम पूरी तरह बाहर हो जाएगी। और दोस्तों ऐसे में इन दोनों टीमों के बीच ये बड़ा मुकाबला 4 सितम्बर को सोमवार के दिन खेला जाएगा, और इस मुकाबले की टाइमिंग दोपहर की 3 बजे की रहेगी। और दोस्तों आप इस मुकाबले को बिल्कुल फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर देख पाएंगे। और दोस्तों ये मुकाबला पल्लेकाले इंटरनेशनल स्टेडियम कैंडी में खेला जाएगा। जहां दोस्तों इस मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह दिखाई देगी, जहाँ ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा दिखाई देंगे, तो मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे नेपाल के सामने। ऐसे में दोस्तों भारत और नेपाल की टीम के बीच ये मुकाबला भारत को जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर ये मैच पूरा होता है तो फिर भारत को ये मुकाबला किसी भी हालत में जीतना होगा सुपर फोर में जाने के लिए। ऐसे में दोस्तों ये मुकाबला जो टीम जीतेगी वो टीम सुपर फोर में पहुंचेगी, और एक टीम का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट में बताएं कि कौन सी टीम का सफर खत्म होने वाला है।